है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। और अभी तक हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार। तो हमारे अभी तक जो अलंकार के भेद थे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, वो लगभग पूरे हो गए। लगभग इसलिए बोल दिया मैंने कि जो हमें उपयोगी हैं, जो हमारी पुस्तक में उपयोगी हैं, वो सारे अलंकार हमने पढ़ लिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन अभी उनको हमने छोड़ रखा है, फिर कभी हम उन्हें पढ़ाएंगे। तो अभी जो इम्पोर्टेंट थे वही अलंकार हमने यहाँ समझा है। तो आज आपके लिए एक नई सीरीज लाए हैं जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि, टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ हम आपकी बुद्धि को टेस्ट करेंगे कि आपने अभी तक अलंकारों को क्या सही से पढ़ा है। तो आज चलिए हम टेस्ट लेते हैं आपके। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको चार ये क्वेश्चन के चार विकल्प रहेंगे और उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार से संबंधित पहला प्रश्न है, इनमें से अलंकार की विशेषता है। तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा और उसके चार विकल्प भी हैं। तो इसमें अलंकार की विशेषता है, नंबर एक अलंकार काव्य की आत्मा है, नंबर दो यानी खा नंबर पर है अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और गा है अलंकार काव्य का अंतरंग तत्व है, और घा है अलंकार के बिना काव्य असंभव है। तो आपके लिए हम यहाँ 10 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड में आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखना है। तो चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी कीजिए। फास्ट देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, आप ध्यान से पढ़ें। तो विद्यार्थियों पहला जो आंसर है पहले प्रश्न का वो था अलंकार की हमें विशेषता बताने पे वो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। हमने परिभाषा में पढ़ा था शोभा बढ़ाते हैं। तो कैसा लगा आपको पहला प्रश्न, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, यहाँ हमको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना। का पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, घा कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, गा है मीठी लगे अखियन लुनाई, घा है भक्तन भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो टाइम शुरू होता है, आप ध्यान से पढ़ें, हमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना है। और अनुप्रास अलंकार आपने यदि परिभाषा को ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, पहले आप परिभाषा को अपने दिमाग में लाइए। किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो ऐसा कौन सा वर्ण है यहाँ, तो देखिए वर्ण यानी अक्षर। तो पहले मैं पानी गई ना वो इस तरह से मोती मानस चून, अब सोचे मोती और मानस दोनों शब्द आ रहे हैं मामा, है ना, लेकिन माँ में ओ की मात्रा है और एक माँ बड़ा है, तो यहाँ इनका तो मतलब ये वर्ण ही अलग है, मात्रा अलग ही है, सेम नहीं है। अगला जो दूसरा देखें कनक कनक, लेकिन आप समझिएगा कनक कनक कौन सा उदाहरण आएगा, ये तो दो बार शब्द आया है सेम, तो ये तो यमक का है। मीठी लगे अखियन लुनाई, लुनाई माने सलवानापन होता है विद्यार्थियों, तो आँखों का जो अखियों का जो कलर है यानी कि रंग है वो सलवानापन है, वो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ कोमल, मीठे के तौर पे यहाँ कवि ने कोमल। तो ये इसमें एक विरोध आभास अलंकार दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप घा का देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर, इसमें भा भा की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, भगवान में छोटा हुआ फिर भक्त में भी छोटा हुआ, है ना, तो यहाँ हुआ आपका ये अनुप्रास अलंकार, तो घा नंबर सही है। तीसरा प्रश्न ये रहा, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत पंक्ति में अलंकार, ये एक उदाहरण दिया है, इसमें कौन सा अलंकार है ये पता करना है। तो का विरोधाभास, घा उत्प्रेक्षा, गा उपमा, और घा है रूपक। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट में इसका सही उत्तर लिखें, देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, ध्यान कीजिए जल्दी से आंसर लिखें।
विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो है विरोधाभास अलंकार, यानी कि का। क्यों? विषमा यह गोदावरी अमृतन की, इसमें गोदावरी को एक तो विष की तरह यानी कि जहर की तरह बताया गया, ऊपर से उसके पानी को अमृत के फल के समान बता दिया है। माना यहाँ वास्तविक विरोध होते हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव किया गया, इसलिए विरोधाभास अलंकार, वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चौथा प्रश्न है, निम्न में अर्थालंकार है, यानी कि इनमें से हमें अर्थालंकार का उदाहरण बताना है। क अनुप्रास, घ उपमा, ग श्लेष, घ यमक। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट में लिखें, कौन सा आंसर सही है। अर्थालंकार बताना, अर्थालंकार का इनमें से कौन सा भेद है। अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक। जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी कीजिए विद्यार्थियों। तो इसका आंसर है अर्थालंकार, जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार। इसमें से उपमा अलंकार आपका सही आंसर है, यानी कि घा उपमा अलंकार अर्थालंक। बाकी सब तीनों अनुप्रास, श्लेष और यमक शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। अब है पांचवा प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति में रूपक अलंकार है, यानी कि हमें अलंकार जो है रूपक उसका उदाहरण बताना है। तो पहला का, या मुरली मुरली धर की, अधरा ना धरी अधर ना धरोंगी। दूसरा, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टोल। तीसरा, राम नाम मणि दीप धरूं जी देहरी द्वार। चौथा है, सुरभित सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। जल्दी से आप कमेंट करें, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इसका पांचवे का सही आंसर यानी सही उत्तर है वो है, राम नाम मणि दीप धरूं जी देहरी द्वार। तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें राम नाम मणि दीप धरूं जी देहरी, देह माने शरीर का ही रूप दे दिया है। इसमें मणि दीप जो दीपक है उसे मणि का रूप दे दिया है, उजाला हो गया है। तो यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब अपन देखते हैं बाकी तीन क्या है यहाँ पे। देखिए, या मुरली मुरली धर की, तो मुरली के दो अर्थ निकालते, एक तो बंशी और एक है कृष्ण जी का पर्यायवाची। और यहाँ अधर यानी अधरा के भी दो अर्थ हैं, अधर यानी ओंठ होते हैं और एक आधारहीन विहीन होता है। तो दो एक ही शब्द के जब दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ यमक अलंकार है, यानी कि पहले का आंसर है यमक अलंकार। मखमल से झूले पड़े हाथी सा टोला, से साथी ये सम ये सब उपमालंकार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें उपमालंकार है। और चौथा है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते, इसमें सम में सा की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है सावर्ण की, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है हमारी आज की टेस्ट सीरीज जो अलंकार पर आधारित थी वो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।